तो हमेशा साथ दिया ना मेरा अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने में। हाँ, लेकिन खुदकुशी में तुम्हारा साथ तो नहीं दे सकता ना। अरे नेहा की परेशानी थी, उसके माँ बाप संभालते, तू क्यों बीच में कूदी? अरे थोड़े दिन विदेश में क्या रह लिया, भूल गई समाज में क्या होता है? देख, तू नहीं जानती कि दुनिया कितनी खराब है। You know what, दादू? I don't think I did anything wrong. अगर आज आर्या नेहा के लिए खड़ी नहीं होगी तो कल कोई आर्या के लिए भी खड़े नहीं होगा। God forbid अगर कल आर्या के साथ कुछ उल्टा सीधा हो जाए तो फिर चुप चुप बोलना। तू तो हमेशा ही समाज के खिलाफ लड़ती रही है, लेकिन आर्या, आर्या भी बहुत छोटी है, पर तू सुनती कहाँ है? सारी बातें जाके आर्या को बता देती है। क्या जरूरी है कि इतनी सी उम्र में उसे ऐसी बदसूरत सच्चाइयों के बारे में इल्म हो? इल्म तो ऑलरेडी हो चुका है दादी अम्मा। हाँ, मैंने सब कुछ बता दिया उसे, आप लोग छिपाते रहिए, ढकते रहिए। She had to know it, of course. And आप सही कहते हो दादू, दुनिया बहुत बुरी है, बहुत खराब है। हम चाहकर भी बच्चों को सात तालों में नहीं रख सकते, लेकिन एटलीस्ट उन्हें आने वाले डेंजर्स के बारे में पता तो होना चाहिए ना। तेरा क्या मतलब है, उन्हें सब बता दे, जो पता होना चाहिए वो भी और जो पता नहीं होना चाहिए वो भी। बचपना छीन ले उसका। बचपना? बचपना छिनना क्या होता है, आप मुझसे पूछ रहे हो बीजी? मुझसे? तेरे साथ जो हुआ वो बहुत अलग था। अरे तूने अलग तरह की जद्दोजहद की है, लेकिन ये बात बिल्कुल ही अलग है। तू नहीं समझेगी, अगर हनुमान और बबीता होते ना तो आर्या पे कभी ये सब ना बीतने देते। हाँ, मैं ही गलत हूँ, मैं ही चाहती आर्या का बुरा ना। बेमजर हनुमान अंकल होते तो पता नहीं क्या क्या कर देते। अरे बेम से मेरे लिए क्या कर लिया? क्या सिवाय चुप रहने की हिदायत देने के अलावा? चुप हो जा मिन्नी, नहीं किसी को नहीं बताना, किसी को भी नहीं। मैं घुट घुट के जीती रही, मरती रही हर एक पल। आपको क्या पता बीजी? कुछ भी तो नहीं, कुछ नहीं पता आप लोगों को। और कोई नहीं आया मुझे बोलने, कोई नहीं आया मेरा साथ देने, किसी ने नहीं बोला मुझे कि हाँ मिनी तू सही है, वो गलत है। दो बनी जानते हो क्यों? क्योंकि वो आदमी लवली बुआ के ससुराल से था। वो जतिन सुखी फूफा जी का भाई। वो चुप हो जाओ। क्यों चुप हो जाओ? क्योंकि ये जब सुनना आप लोगों के लिए अनकंफर्टेबल है, इसीलिए बड़ा कर दो ना, मानना ही नहीं चाहते आप लोग, तो बोल दो कुछ नहीं हुआ था। वैसे भी आप लोगों को क्या फर्क पड़ता है उसने क्या किया मेरे साथ, या वो क्या करता? अगर मैं मर भी जाती ना तो आप लोगों को कुछ झूठ बोल रही है तू, मन घड़त कहानियां बना रही है अपनी आज की इज्जत पूरी करने के लिए। ऐसा कुछ नहीं हुआ था, कुछ नहीं हुआ था ऐसा।
बोलो वीर बालक को, चलो मेरे साथ। बालक को इधर देखो, अपनी छुटंकी की तरफ देखो वीर बालक का, देखो ना मेरी बात क्यों नहीं सुन रही हो वीर बालक को, तुम डांटो वीर बालक को, दादू ने डांटा इसलिए दादू बहुत गंदे तो चिल्लाते रहते, मैं भी गंदी है, बीजी भी, सबने तो मैं रुलाया, लेकिन लेकिन ये दादी तुम्हें रुलाएगा नहीं, बहुत प्यार करेगा, और मम्मा भी और तुम्हें लोरी सुनाएंगी, और पापा बैर तुम्हें बहुत हंसाएंगे, अब तो स्माइल कर दो वीर बालक को, तुम होगी ना तो मुझे भी रोना आ जाएगा। I love you, Veer Palika. I love you too. तुम्हारे पास कोई डॉल नहीं है ना वीर बालिका? एक मिनट। तुम्हें डॉल रख लो, वीर बालिका डॉल। छुटंकी तुम्हारी वीर बालिका के पास भी एक डॉल थी, फिर टूट गई वो। मिनी इधर आओ, मेरे पास, अपने जतिन चाचा के पास नहीं आओगी? देखो मैं क्या लाया हूँ तुम्हारे लिए, एक नई ड्रेस, पहन के दिखाओ। तुम्हारी डॉल टूट गई, तुम इसलिए सैड हो वीर बालक को? हाँ चुटंकी, इसलिए सैड हो। बहुत पसंद थी मुझे वो डॉल, पता है मेरे पापा जी ने स्पेशली भेजी थी मेरे लिए लंदन से। फिर तुमने मम्मा से क्यों नहीं कहा कि वो डॉल जोड़ दे? बोला था मम्मा को, लेकिन मम्मा नहीं जोड़ पाए। जब मैं बड़ी हो जाऊंगी ना तो मैं तुम्हारे लिए न्यू डॉल लाऊंगी लंदन से, आई प्रॉमिस। देयर इन इट टुगेदर ना।
सब कुछ बताया था मैंने बीब्स को, सब कुछ। उसे नहीं बताती तो किसे बताती मैं? एक वही तो इतने क्लोज थी मेरे, मैं चाहती थी वो मुझे गोद में भर ले, मुझे गले से लगा ले, भूले मुझे कि मिनी तो डर मत, मैं हूं तेरे साथ। मैं चाहती थी वो जतिन चाचा को कन्फ्रंट करे, थप्पड़ लगाए उसे, बोले उसे कि तेरी हिम्मत कैसे मेरी बेटी को हाथ लगाने की। लेकिन लेकिन शांतु, बेब्स का रिएक्शन क्या हुआ? मिन्नी चुप रहे, कोई सुन लेगा, धीरे बोल। हाथ पकड़ा उसने मेरा, फटाफट कमरे के अंदर ले गई भगा के, पीछे से दरवाजा भी बंद कर दिया कि कोई सुन ना ले गई। पता, मुझे लगता है वो भी नहीं सुनना चाहती थी, उसकी हड़बड़ाहट, उसकी सकपकाहट से ऐसा लग रहा था जैसे जैसे कोई बहुत शर्मिंदगी वाली बात हो, जैसे कुछ बहुत बुरा हो गया हो। सबसे ये बात छुपानी है, गिल्ट आ गया था मेरे अंदर, ऐसा लगने लगा था कि पता नहीं कहीं ना कहीं जो भी हो रहा है उस सब के लिए मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ। आई नो मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए था, आई नो तुम यही बोलोगे, लेकिन यार छोटी बच्ची थी मैं, पता क्या था मुझे? I didn't know anything. Relax, Mini. चुप रह मिनी, बस चुप रहना। तेरे पापा जी यहाँ नहीं रहते साथ में, इसलिए चुप रहना। लोग तेरी माँ की परवरिश पे इल्जाम लगाएंगे, इसलिए चुप रहना। कोई तेरी बात नहीं मानेगा, इसलिए चुप रहना। लोग क्या कहेंगे, इसलिए चुप रहना, चुप रहना, चुप रहना। कोई बात देखी ना उसने ना मैंने, चुप थे एकदम, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लाइक एवरीथिंग वाज नॉर्मल, बट आई वाज नॉट नॉर्मल। ये सच नहीं था, I was hurt, I was bruised, and I was angry, very angry. क्यों पापा जी नहीं रहते थे हमारे साथ? अगर वो होते तो शायद ऐसा नहीं होता। मैं बेस में भी बहुत गुस्सा थी। क्यों नहीं गए वो पापा जी के साथ लंदन? क्यों मुझे प्रोटेक्ट नहीं कर पाया? ना विश, काश मेरे पापा जी मेरे साथ होते। नहीं
लेकिन मैं समझ गई थी कि मेरी बेब्स बहुत वीक है, मुझे प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगी। और उस दिन मेरे अंदर की बच्ची सडनली बड़ी हो गई। मैंने डिसाइड कर लिया था अगर मुझे सरवाइव करना है मुझे स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। कराटे सीखे मैंने चुपचाप बिना किसी को बताए ताकि मैं खुद को अपनी बेब्स को प्रोटेक्ट कर सकूं। और हर वक्त दुनिया से लड़ने के लिए तैयार, a kind of self defense। और वैसे भी अपनी बेब्स को भी प्रोटेक्ट करना था मुझे क्योंकि वो तो हर बात पे रोने लगती थी। हमेशा के लिए इमोशनल स्कार्स दे दे मुझे। नहीं दी, मुझे पता तुम क्या बोलोगे। I love babes to the core, but I also hate her. वो क्यों मुझे protect नहीं कर पाई? Why wasn't she there when I needed her? I hate her, Neil. I hate her. शुरू बेटा इतना तो जानता अंधेरे में क्यों बैठे हुए थे जी? सुना अपनी लाडली को कैसे उल्टी सीधी मनगढ़ंत कहानियां बना रही थी, वो भी जतिन के लिए। माना कि लवली के ससुराल वाले उसका मान नहीं करते, लेकिन जतिन तो। लेकिन आप तो जानते हैं ना कि मिनी कभी झूठ नहीं बोलती। आप कहना क्या चाहती हैं शमी जी? मतलब कि मेरी नाक के नीचे मेरी पोती के साथ ये सब हो रहा था और मुझे खबर तक नहीं थी? शमी जी, अगर सच जानकर भी आप सच को नकारना चाहते हैं तो बात अलग है। अगर कुछ ऐसा होता तो बबीता बताती ना हमें। बबीता ने पहली बार तो कोई बात हमसे छुपाई नहीं है ना, और फिर ये लवली के ससुराल का मामला था।
कैसे बताए? For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.